हार्ट ब्रेक वाला सॉन्ग है, बहुत ही खूबसूरत खूबसूरती से बनाया गया है एंड सोशल मीडिया पर काफी तारीफ हो रही है एंड हम देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छे मिलियंस ऑफ व्यू भी आए हैं इस गाने को लेकर, इसलिए हमारी तरफ से कांग्रेचुलेशन। थैंक यू, थैंक यू। सो कैसी रही ये जर्नी, पहले तो ये जानना चाहेंगे एंड क्या कुछ फील, तो पहले तो ये जानना चाहेंगे कैसी रही ये जर्नी। सो बड़ी अच्छी रही जर्नी, इनफैक्ट हमने ये शूट किया था पिछले साल क्योंकि हम 2020 था वो, बट काफ़ी अच्छी मेमोरीज थे। इनफैक्ट मैं गोवा में शूट किया था और अच्छा वेदर भी बहुत अच्छा था वहाँ पर, और गोवा जैसे कि जाना जाता है कि एक वेकेशन सॉर्ट ऑफ मूड बनता है हमेशा जब आप वहाँ पर जाते हो, और जब काम उसके साथ हो तो इट्स लाइक मतलब सोने पे सुहागा। तो कोविड के बाद इट वाज़ द फर्स्ट, हाँ कोविड, यस करेक्ट। तो बड़ा अच्छा था ओवरऑल, बहुत अच्छी टी, इनफैक्ट मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था टी सीरीज़ के साथ, सो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि कैसे होगा क्या होगा, इतना ही पता था कि गाना अच्छा है, पुराना गाना है उसको रिक्रिएट हो रहा है, और मेरी मुलाकात भी इनसे हो ही नहीं थी। तो जब वहाँ पर गया तो रियलाइज़ हुआ कि द टीम इज़ वेरी गुड, बहुत पॉजिटिव वाइब्स थे और अच्छे लोग थे, हैप्पी लोग थे, सॉर्टेड लोग थे, कोई स्ट्रेस नहीं था, कोई ऐसा भगदौड़ नहीं चल रही थी वहाँ पर, आराम से सब चल रहा था, और मैडम भी बहुत शांत किस्म की इंसान है ये मुझे रियलाइज़ हुआ। यस, तो काफ़ी अच्छा एक बॉन्डिंग रही ओवरऑल। दिव्या जी, खुशहाली जी, सॉरी सब मिक्स हो जाता है। से लेके अगर मैं आपकी आपकी अगर जर्नी की बात करूँ, फैशन से लेके एंड नाउ एक्टिंग तक, आप बहुत ही ऊपर नीचे आपने सब कुछ देखा, तो अगर आप कुछ बता सकें अगर आप कि कैसी रही ये जर्नी आपकी। मेरे को बचपन से एक्टिंग का बहुत शौक था, मेरे को एक्टिंग ही करनी थी, पर सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे थे कि मैं दिल्ली शिफ्ट हो गई एंड देन आई चोज टू एक्सप्रेस माई सेल्फ थ्रू डिज़ाइनिंग। तो मैं जो कपड़े भी बनाती थी उसमें हमेशा एक कोई इमोशन होता था या कोई स्टोरी होती थी विच आई यूज टू ट्राई टू टेल थ्रू माई क्लोथ्स। जब मैंने फैशन शोज भी किए तो उसमें एक हमेशा कुछ ना कुछ एक कॉन्सेप्ट चलता था, आई यूज टू पोर्ट्रे ऑल व्हाट आई हैड विद इन मी थ्रू माई क्लोथ्स। तो जब बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने मेरे कपड़े डाले, इवन इंटरनेशनली आई स्टाइलिंग फॉर जस्टिन बीबर एंड फिर शकीरा के साथ, लियान राइम्स के साथ, सो इट वॉज ऑलवेज कम्बाइनिंग स्ट्रेंथ रोमांस पोर्ट्रेइंग डिफरेंट थिंग्स। तो बहुत अच्छा था, मेरी वो जर्नी बहुत अच्छी रही, और अब आई एम डूइंग माई डेब्यू विद आर माधवन, दैट्स अ ड्रीम कम ट्रू एंड अब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपनी न्यू जर्नी के साथ। पहले प्यार का पहला गम कैसे देखती हैं आप, ये लोगों को बहुत ही पसंद आ रहा है इस गाने के साथ को? ये जब गाना पहले भी आया था बहुत ही एक डिफरेंट मैजिक क्रिएट किया था विद जावेद जी, हिज ब्यूटिफुल वर्ड्स, और अब उस पर रश्मि जी ने जो एडिशन किया है, सो आई थिंक इट इज़ रिक्रिएटेड दैट मैजिक जो हमारी आज की जनरेशन है वो ये इंजॉय कर सकती है। द पीपल हु हैड नॉट हर्ड एट दैट टाइम, एक नई फ्लेवर के साथ विद अ न्यू फ्लेवर विच टुडेज यूथ कैन ऑल्सो कनेक्ट टू इट, उस वे में बनाया एंड पीपल आर इंजॉइंग इट विच इज़ वेरी नाइस। तुलसी ने बहुत अच्छे से गाया है, उसकी वॉइस बहुत ही इनोसेंट है एंड रोमांटिक एंड हार्ट ब्रेक सॉन्ग्स, शी जस्ट गिव्स अ वेरी डिफरेंट वाइब एंड इमोशन टू इट एंड जुबिन इज़ फैंटास्टिक, वो कितने दर्द और वो डीप विद इन से गाते हैं, तो बहुत अच्छे से उन्होंने गाया है, उससे हमारे लिए भी बहुत ईजी हो गया टू फॉर आर इमोशंस टू कनेक्ट एंड टू फ्लो। तो बहुत ही अच्छा गाना है, मेरे भाई भी बहुत एक्साइटेड थे, भूषण जी वॉज ऑल्सो वेरी एक्साइटेड। जब ये गाना मेरे को याद है कि अर्ली मॉर्निंग मेरे को उनका मैसेज आया था और गाना आया था कि बहुत ही अमेजिंग सॉन्ग बना है एंड इट इज़ वेरी नाइस। सो लॉकडाउन से शुरू हुआ था ये, मैं बहुत एक्साइटेड थी और फिर ओवरऑल हमारा शूट बहुत अच्छा गया, सो इट वाज फैंटास्टिक एवरीथिंग। जब हर एक चीज़ अच्छे से प्लेस में जस्ट फेल फॉल्स इन प्लेस यू नो, देन इट्स अ वेरी गुड एंड अ नाइस सैटिस्फाइंग फीलिंग। तो भाई का क्या रिएक्शन था, क्योंकि वो तो सारे प्रोजेक्ट को ऐसे देखते हैं ध्यान से, उस पर बातें करते हैं, देन वो प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, तो जब ये पहली बार गाना है तो आपने उनके साथ में इंटरेक्ट किया है कि ऐसे प्रोजेक्ट है, उनका क्या रिएक्शन था? ही लव्ड, जब डायरेक्टर हैड यू नो नरेटेड द एंटायर कॉन्सेप्ट एंड एवरीथिंग, सो ही वॉज वेरी इन्वॉल्व फ्रॉम डे वन, क्योंकि ये उनका पर्सनल फेवरेट गाना है फ्रॉम हिज कॉलेज टाइम। ओ
तो तब से ये गाना बहुत सुनते थे. तो ही वॉज ऑल्सो वेरी इन्वॉल्व इन द एंटायर कॉन्सेप्ट एवरीथिंग, कि कैसे तुलसी कैसे गा रही है या हमारा क्या कॉन्सेप्ट होने वाला, शूट कैसे होने वाला. सो ओवरऑल ही वॉन्टेड इट टू बी वेरी इमोशनल, कि इमोशन बहुत फ्लो होना चाहिए. और वो बहुत ही ब्यूटिफुली आया भी है वीडियो में, हर किसी ने उसके साथ कनेक्ट भी किया. तो अच्छा लगा कि सबको अच्छा लगा. जी बिल्कुल, वीडियो में तो हमने देखा वो बहुत ही लाइक बहुत ही कनेक्टेड है. सो सबसे पहले मुलाकात टी सीरीज से आपकी हुई जी, किसके साथ में हुई है, कैसे फिर ये कारवा चलते है, अगर आप कुछ बता सके पार्थ जी. किसके साथ मतलब? सर के भूषण जी के साथ में मुलाकात. नहीं मुझे याद है, मैं ऑलरेडी गोवा में था और जब मुझे ये कॉल आया था और ये सब इसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या थी, कब उनको शूट करना है, कैसा है, ये है वो, और फिर मैं यहाँ पर आया. और मैं ऑलरेडी अपना वेब शो शूट कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल, मैं उसी के शूट में बिज़ी हूँ. तो उस दौरान फिर कहीं ना कहीं एक गैप निकाल करके कहीं हम दोनों अवेलेबल हैं, उस दौरान हम शूट कर पाएँ, लोकेशन अवेलेबल हो, वो सब कुछ फ़ोन पे ही सब कुछ हो गया. बिकॉज कोविड का भी टाइम है, अब ऐसा नहीं है कि आप किसी को जाके मिल सकते हो या ओपनली कहीं जाके इंटरेक्ट कर सकते हो. तो जो भी हुआ, हम लोग गोवा में सबसे पहले लैंड होते ही मेरी मुलाकात हुई इनसे और फिर डायरेक्टर जी से और सबसे वहाँ पर. और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि काफ़ी अच्छी टीम है, काफ़ी सॉर्टेड है, कोई ऐसा नहीं है कि नए लोग हैं या क्या करना है उनको पता ही नहीं है, वैसा कुछ ऐसा कभी भी कुछ कभी महसूस नहीं हुआ. अच्छा शूट रहा इनफैक्ट, क्योंकि अब हम देख रहे गाना आगे है कनेक्टेड, कनेक्टिंग वाला सॉन्ग है. आपकी फैन फॉलोइंग लड़कियों में बहुत है, तो आप बताइए कि फैंस का क्या रिएक्शन आ रहा है? बहुत अच्छा. अगर आप फॉलो करते हैं बिल्कुल बिल्कुल, इनफैक्ट हमें फॉलो करना पड़ता है ये. हम इनफैक्ट कहीं ना कहीं हमें इंस्पायर भी करता है कि उनके फीडबैक, उनके पॉजिटिव रिस्पांस, इवन अगर उनको कोई क्रिटिसाइज़ करना होगा तो एटलीस्ट हम उनसे कुछ सीख सकते हैं, कुछ उनका पॉइंट ऑफ व्यू जान सकते हैं, क्योंकि हर इंसान का परसेप्शन अलग होता है. बट थैंकफुली यहाँ पर बहुत अच्छे पॉजिटिव रिस्पॉन्स था और इनफैक्ट बहुत गुड कॉमेंट्स थे, अच्छा फीडबैक था, बहुत ज़्यादा लाइकिंग्स भी थे. और स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मेरी फैमिली, या फिर ये जब मैंने उनको पहले बताया था कि ये गाना है ऐसा ऐसा है, तो जैसे कि हमारी जनरेशन ने तो सुना नहीं था, लेकिन बहुत कम लोगों ने सुना, लेकिन पहले के जनरेशन ने तो बहुत कुछ. तो मुझे रिस्पांस तो बहुत ही अच्छा था कि ये, अरे ये तो बहुत अच्छा गाना है, तो बहुत बड़ा गाना है, हम बहुत सुना करते थे हमारे दौरान, हमारे टाइम पर. सो मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगा कि मैं सही डायरेक्शन में हूँ, और मुझे भी कहीं ना कहीं एक अच्छा कनेक्ट हुआ था जब पहली बार मैंने गाना सुना था, तो अच्छा लगा था. तो ओवरऑल इट वॉज़ अ गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम एवरी वन, फ्रॉम द फैंस, फ्रॉम द फैमिली, फ्रॉम पीपल हु हैव सपोर्टेड मी एवरी टाइम. या तुषारी जी, यू नो पहले प्यार का पहला लव, यू नो, तो कितना आप बिलीव करती हैं कि लाइफ का जो पहला प्यार होता है उसमें ऐसे हमेशा गम मिलता है या फिर वो, आप बताइए. गम तो मिलता है आई थिंक, क्योंकि हम बहुत छोटे होते हैं, हमें आई डोंट थिंक सो इतनी ज़्यादा खुद समझ होती है. बट सम पीपल आर फॉर्चुनेट, आई हैव सम फ्रेंड्स जिन लोगों का पहला प्यार कॉलेज में हुआ है, नाउ दे आर नाइसली मैरिड ऑल्सो. सो आई थिंक इट्स, हाँ, सो दे आर मैरिड विद किड्स, नाइसली सेटल्ड, विच इज़ ब्यूटिफुल. तो डिपेंड करता है आई थिंक. बहुत ही ऐसे बहुत रेयर इंसिडेंसेस होते हैं, बहुत कम, मतलब 100 में से एक ऐसा होगा जहाँ, स्पेशली मेरा भाई, मेरा कज़न जो 9th ग्रेड में उसे किसी से प्यार हुआ था, वो भी 9th में ही थी, और फिर उसके बाद 12 साल उन्होंने डेट किया, हाँ, और फिर शादी भी हुई. तो या अभी इनफैक्ट उसे, उन्हें 15 साल हो गए, अब इनकी एक बेटी भी है छोटी सी. सो या बहुत कम ऐसे होते हैं, बट बहुत लकी होते हैं. पर मेरे को पहला प्यार पहला गम स्कूल में हो गया. सेम सेम सेम, स्कूल नहीं, हाई स्कूल, जैसे हमारे यहाँ पर कहते हैं जूनियर कॉलेज. तो हाँ, तो वही 12वीं, 12वीं में. एंड आपसे जानना चाहेंगे आप लोगों से, क्योंकि जिस तरह से म्यूजिक वीडियो का ट्रेंड है, एंड अब हम देख रहे हैं कि स्पेशली जो टी सीरीज में जितने भी गाने आ रहे हैं और बाहर भी जो गाने हम देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, हर एक गाने में एक स्टोरी होती है. इस गाने में भी एक स्टोरी है, स्टोरी के साथ वो चलता है. हम लोग जिस तरह से ये जो थीम लोग पसंद कर रहे हैं, इसे कैसे देखते हैं आप लोग एज एन एक्टर? सी व्हाट आई फील इज, एक तो हमारी अब फिल्म से म्यूजिक
और सॉन्ग्स चले गए हैं बिकॉज इट्स मोर ऑफ कॉन्टेंट एंड यू नो अब आजकल जितनी भी मूवीज आ रही हैं रेयरली देर आर सॉन्ग्स या तो प्रमोशनल शूट होते हैं सो आई थिंक पीपल आर रियली इन्जॉइंग उनको एक अच्छा गाना मिल रहा है उसमें वेन देर इज अ होल स्टोरी सो दे आई थिंक दे कनेक्ट विद द सॉन्ग मोर दे इन्जॉय वॉचिंग द वीडियो मोर क्योंकि अब लोग यूट्यूब पे जब खाली वो गाना सुन नहीं रहे देर इवन सीइंग द विजुअल्स एंड एवरीथिंग तो जब उस पर एक स्टोरी फ्लो होती है आई थिंक दे आर इन्जॉइंग इट दे आर कनेक्टिंग इट मोर एज एन एक्टर आपको इनफैक्ट सिर्फ वो कहते हैं ना कि अगर कोई गाना है या सिर्फ वहाँ पर खड़े रहना है या डांस करना है या लिपसिंग करना है या सिर्फ ऐसे गाना है तो उससे ज़्यादा आप एक्टर को ये पसंद आएगा कि वो कैसे उस वो वर्ड्स को इमोट करे इमोशंस को या वो हंसे या वो रोए या उसके साथ नाचे तो बहुत एक एक्टर को बहुत इंटरेस्टिंग अभी एक मिल गया है कि एक स्टोरी चल रही है स्टोरी के साथ में फ्लो हो रहा हो और गाना पीछे चल रहा है तो एक अच्छा एक सब एवरीथिंग शुड फॉल मतलब एवरीथिंग शुड कम टुगेदर जो हो रहा है अभी आप लोग भी क्या ऐसा मानते हैं अपनी रियल लाइफ में या इस जैसा कि इस गाने में जो थीम दिखाई गई है कि एक इंसान मतलब स्टार्टिंग में बहुत ही अच्छे आप लोग दोस्त होते हैं जब उसके बाद सडनली आप एक सुपरस्टार बन जाते हैं तो आप मिल नहीं पाते हैं कुछ ऐसी सिचुएशंस हो जाती है जो गाने की सो आप लोग कितना इस कितना बिलीव करते हैं आप लोग रियल लाइफ में कितना मानते हैं कि हाँ ऐसा होता है या फिर आप बताइए आई थिंक रियल लाइफ में हमारी ऐसी सिचुएशंस आती रहती हैं इट कुड बी इन अ डिफरेंट वे और अ डिफरेंट फॉर्म बट वी ऑल कीप गोइंग थ्रू सिचुएशंस जहाँ पे बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि हम किस चीज़ को छोड़ें और कौन सी चीज़ को हम चूज़ करें बट आई फील अगर आपको ट्रू लव मिल रहा है तो देन वन शुड गो फॉर दैट क्योंकि देन दैट विल नॉट यू डोंट हैव टू गिव अप ऑन एनीथिंग आई थिंक दैट पर्सन विल इनकरेज यू टू टेक इट अप और उस सिचुएशन में हाँ और उस सिचुएशन में अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि कहीं जैसे कि इन्होंने कहा कि उतार चढ़ाव चलते रहते हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि दोनों का सक्सेस हो दोनों का हाई हो ऐसा हो सकता है कि एक पहले ये इंसान हाई हो या फिर दूसरा इंसान का लो चल रहा हो तो थोड़ा सा दूसरे इंसान को भी समझना ज़रूरी है और दोनों को एक साथ चलना बहुत ज़रूरी है ऐसा नहीं हो कि सिर्फ एक ही को काम मिल रहा है और दूसरा सिर्फ बैठा है वो भी बहुत एक हो जाता है क्योंकि जब खाली आप बैठे हो तो आप बस नेगेटिव सोचते हो या ऐसा कुछ सोचते हो तो ऐसा नहीं है दूसरे इंसान को साथ में लेकर चलना बहुत ज़रूरी है तभी रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा और स्ट्रॉन्ग बनेगा और आपका हमने और एक गाना देखा इश्क खुदा है जो वो पोएट्री थी म्यूजिकल पोएट्री अगर आप अच्छा। कुछ बताना चाहें कि मतलब हम ऐसा मानते हैं और ऐसे वीडियो सारे म्यूजिक वीडियो ऐसे जी की तरफ से वो एक्चुअली मैंने लॉकडाउन के टाइम पे ही शूट किया था मेरे घर पे ही शूट हुआ है सो वो मैंने लिखी थी वो पोइट्री ड्यूरिंग माय ड्यूरिंग द लॉकडाउन टाइम तो वो हमने शूट किया एंड आई वाज एक्चुअली सपोज टू पुट इट अप ऑन माय यूट्यूब चैनल बट माय ब्रदर क्वाइट लाइक्ड इट सो ही वाज नो इट्स वेरी नाइसली मेड इट्स ब्यूटिफुली शॉट इट हैज़ अ गुड मैसेज टू इट सो देन वी रिलीज्ड इट ऑन द ऑन आवर टी सीरीज तो पार्थ जी क्योंकि आपकी तो शूटिंग भी चल रही है तो आने वाले दिनों में और बताइए कि ऐसे म्यूजिक वीडियो हम आपको देखेंगे ऐसे ढेरों सारे ऐसे साथ में और भी ज़रूर इनफैक्ट एक और म्यूजिक वीडियो तो अनफॉर्चुनेटली वर्कआउट नहीं हुआ क्योंकि मैं इसमें शूट में बिजी हूँ बट जैसे ही मेरा ख़त्म होता है जो अगले 10 दिन में ख़त्म होने वाला है फिर इंशाल्लाह देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें और मिल सकती है और म्यूज़िक वीडियो का जैसे कि दौर चल रहा है ट्रेंड चल रहा है तो एक्टर को जैसे कि आपने कहा कि एक्सप्लोर करने के लिए अब नए तरीके मिल चुके हैं और कैसे 3-4 दिन में आप एक कहानी सिमट सकते हो या एक पूरा कर सकते हो तो ऑब्वियसली एज एन एक्टर विल बी वेरी इंटरेस्टिंग कि आप अलग से अलग कहानियाँ एक्सप्लोर करें अलग कैरेक्टर को एक्सप्लोर करें और अच्छा उसका रिस्पांस भी मिलता है अच्छा रीच मिलता है जैसे कि हाँ म्यूज़िक की कोई भाषा नहीं होती इट रीचेज एवरीवेयर तो कहीं ना कहीं एक छोटे से बहुत ही दूर जहाँ पर आपने कभी किसी गांव का नाम भी नहीं सुना होगा वहाँ पर कोई इंसान सुन रहा होगा और वो आपको याद कर रहा होगा कि ये गाना वो है तो उस वही इट्स वेरी ब्यूटीफुल कि म्यूज़िक की रीच बहुत ज़्यादा है एक्चुअली मैं अभी एक शूट करने वाली हूँ आई एम गोइंग टू शिमला टू शूट वन अभी मैं उसकी डिटेल्स नहीं दे सकती अभी मैं उसकी कोई भी डिटेल्स नहीं दे सकती मेरे को मना किया है बट मैं अभी आपको कोई डिटेल्स नहीं दूंगी तो बट येस इट इज अगेन ऑन अ हार्ट ब्रेक सॉफ्ट रोमांटिक सॉन्ग है जी बहुत पसंद आया ये गाना
Thank you everyone for watching and liking our song, and stay healthy, stay positive, keep watching our song and keep giving us all the love and keep falling in love. It's the most beautiful feeling. Thank you so much. Thank you so much for spreading so much of love and giving all your positive feedback and spreading so much of happiness. So please, please share it with your loved ones. If you like the song, please continue listening to it, and please support us in the future as well. God bless you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Good luck. Thank you, sir. Thank you.